ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट डेंसिटी क्या होती है, जे, जे का मतलब करंट बाय एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, तो में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वी, और उसमें करंट आता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए में से, तो करंट बाय एरिया करंट डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। आपको ये ओम लॉ का तो ये होता है वी इक्वल टू आई आर, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम है। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ये प्रूव करने को आएगा ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट डेंसिटी। तो आपने स्टार्ट यहीं से करना है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे आर क्या, आर को क्या लिखेंगे, वी बाय आई। रेजिस्टेंस हमने क्या किया था, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। यहां से करंट और एरिया एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। करंट बाय एरिया क्या होता है, जे, और वन बाय रो क्या होता है, वन बाय रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, और वी बाय एल क्या होता है, ई। वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, ई वेक्टर, और यहां से जे वेक्टर, आंसर। तो आपके सामने आंसर आ गया। बाय चांस अगर आप भूल गए, भूल गए, राइट? अगर आप इसका प्रूफ भूल गए तो आपने क्या करना है, आपने रफ में ये लिख लेना है साइड पे। आपने जे को लिखना है करंट बाय एरिया, सिग्मा को वन बाय रो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो एल बाय ए, वी बाय आई क्या होता है, आर। फिर आपने रफ में लिख के सारे स्टेप उल्टे लिख देने हैं, 1 2 3 4 5, वही तो लिखा हुआ उल्टा है, देखो। तो याद क्या करना, बस फॉर्मूला याद कर लो, उसी को पहले सॉल्व कर लो, फिर उल्टा करके प्रूव कर देना, आंसर ओमला हो गया। ठीक है यहां तक?